एक किसान के पास निहायत शानदार और खूबसूरत घोड़ा था, जिस पर वो अपने जानवरों के लिए चारा वगैरह लाया करता था। जब कभी कहीं जाना होता तो इस पर सवारी कर लेता था कि जब कभी किसान को अपने घर वालों को कहीं लेकर जाना होता तो इसके पीछे टांगा लगा लेता। वक्त के साथ साथ घोड़ा बूढ़ा हो गया, अब वो किसी काम का नहीं रहा था। किसान को अपने घोड़े से बहुत प्यार था। जब इसके दोस्तों ने देखा कि किसान का घोड़ा बूढ़ा हो चुका है और किसान के किसी काम का नहीं रहा, तो उन्होंने मशवरा दिया कि इसको शहर में जाकर फरोख्त करके नया घोड़ा खरीद ले। किसान का दिल भी यही चाहता था, लेकिन इस घोड़े को खरीदता कौन? बूढ़ा घोड़ा तो किसी काम का नहीं था। फिर किसान को अपने इस घोड़े से प्यार भी बहुत था। आखिर एक दिन किसान का एक दोस्त आया। उसने मशवरा दिया कि करीबी शहर में एक निहायत चालाक ब्रोकर रहता है, वो ये घोड़ा जरूर फरोख्त कर देगा, बस इसको थोड़ा सा मुआवजा देना पड़ेगा। किसान ने कहा, अगर ये घोड़ा फरोख्त हो गया तो ब्रोकर को मुआवजा देने में कोई मसला ना होगा। अगले दिन किसान ने घोड़े को नहला दुलाकर तैयार किया और इसे लेकर शहर की जानिब चल पड़ा। शहर पहुंचकर इसने ब्रोकर का पता मालूम किया और थोड़ी देर के बाद उसे ढूंढ ही लिया किसान ने। किसान ने ब्रोकर से कहा कि तुम मेरा ये घोड़ा बेच दो, मैं तुम्हें इसका मकूल मुआवजा दूंगा। ब्रोकर ने किसान की सारी बात सुनकर कहा, लो भाई, ये तो कोई मसला ही नहीं, ये घोड़ा फरोख्त करना मेरे लिए मामूली काम है। तुमने कुछ नहीं बोलना, ग्राहकों को मतवज्जा करना मेरा काम होगा, तुम बस एक तरफ जाकर बैठ जाना, तुम्हारा घोड़ा सुबह फरोख्त करा दूंगा। ब्रोकर ये कहकर किसान को मेहमान खाने में ले गया और वहां जाकर इसे आराम करने के लिए कहा। इस दौरान ब्रोकर का मुलाजिम खाना भी ले आया। किसान ने खाना खाया और आराम से सो गया। सुबह की नमाज पढ़कर ब्रोकर ने किसान को साथ लिया और घोड़े को लेकर मवेशी मंडी में पहुंच गया, जहां पर मुख्तलिफ किस्म के जानवर फरोख्त होने के लिए लाए गए थे। किसान खुश हुआ कि इसका घोड़ा बिक गया तो वो यहीं से नया घोड़ा खरीद लेगा। ब्रोकर ने किसान के घोड़े को पकड़ा और आवाज लगाई, लो जी, आज एक शाहकार और लाजवाब घोड़ा लाया हूँ। इस घोड़े को खरीदने के लिए विरजा और अमरा के दिल मचलते हैं। ये आम घोड़ा नहीं है, बल्कि निहायत कीमती घोड़ा है। इस पर तारीख की कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। इसी घोड़े पर बैठकर हुमायूं बादशाह ने जंग लड़ी थी और फतह बना। घोड़े पर ज़ैरुद्दीन बाबर ने कई जंगें लड़ी और कई इलाके फतह किए, और तो और हलाकू खान ने भी इसी घोड़े पर बैठकर दुनिया को फतह किया। सिकंदर आजम इसी घोड़े पर बैठकर दुनिया को फतह करने के लिए निकला था। ये घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं है, इसको खरीदने के लिए कई बादशाहों ने कई चालें चली, कई बार लड़ाइयां हुई, इस घोड़े पर कई मुकाबले किए, लेकिन यह घोड़ा किस्मत वालों के पास ही रहता है। इस घोड़े की एक और खास बात यह है कि इस पर ना सिर्फ बादशाहों बल्कि गले मोहल्ले में भी कई झगड़े हुए, कई इलेक्शन इस घोड़े की वजह से जीते गए हैं। इसकी खूबियों की एक लंबी फहरिस्त मेरे पास मौजूद है, जो कि मैं बयान करने लगूं तो कई दिन लग जाए। मुख्तसर ये कहूंगा कि घोड़ा नायाब होने के साथ साथ किस्मत वाला भी है। जिस मालिक के पास भी गया उसको अमीर बना दिया। अरे, याद आया कि इसकी तारीखी अहमियत पर एक बंदे ने तो पूरा कलम लिख डाला, वो कलम मैं अपने साथ लाया हूँ। कहाँ गया वो कलम?
ब्रोकर ने कमाल की अदाकारी करते हुए अपनी जेबों को टटोला और एक चढ़मुढ़ सा कागज निकाला और देखकर पढ़ने लगा। इसी दौरान किसान भागता हुआ उसके पास आया और लोगों के मजमे को भगाते हुए बोला, अरे अरे रुको, मुझे ये घोड़ा नहीं बेचना। मुझे इसकी तारीखी अहमियत का अंदाजा था, मुझे इतना कीमती घोड़ा बिल्कुल नहीं बेचना। लाओ इसकी बाग, मुझे पकड़ाओ, मैं इतना कीमती घोड़ा क्यों फरोख्त करूं? हटो, ये मेरा कीमती घोड़ा मुझे दे दो। ब्रोकर हैरानी से किसान को देख रहा था और किसान ने आगे बढ़कर घोड़े की बाग पकड़ी और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। और घोड़े की खुशी की इंतहा नहीं थी, वो अपने मालिक के साथ वापस जा रहा था।